हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जेएनवीयू का केंद्र कार्यालय बना प्रदर्शन का अखाड़ा, लगातार तीसरे दिन हंगामा। छात्र संघ अध्यक्ष व एसएफआई ने किया अलग अलग प्रदर्शन। विश्वविद्यालय प्रशासन को नींद से जगाने के लिए बजाय ढोल थाली। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर की आहट के साथ ही यहां प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। छात्र संगठन और छात्र नेता अलग अलग मांगों को लेकर यहां प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को यहां छात्र संघ अध्यक्ष व एसएफआई की ओर से अलग अलग प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही अपनी अपनी मांगों का कुलपति को ज्ञापन सौंपा। आज यहाँ तीसरा दिन था जहाँ लगातार प्रदर्शन किया गया। इससे पहले एनएसयूआई और छात्र नेता हरेंद्र चौधरी द्वारा प्रदर्शन किया गया था। जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने आज सुबह केंद्र कार्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां एक छात्र को कुलपति के प्रतीक के रूप में बिठाया और उसकी आंखों व कानों पर कपड़ा बांध दिया। उनका कहना था कि कुलपति छात्रों की ना तो समस्याएं सुन रहे हैं और ना ही उन्हें ये समस्याएं दिख रही हैं। कुलपति छात्रों की परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके लिए आज ढोल थाली बजाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया गया। नारेबाजी व प्रदर्शन के बाद कुलपति को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भी वहां जोरदार प्रदर्शन व घेराव किया गया। ज्ञापन में विश्वविद्यालय तथा संबंधित सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के मद्देनजर अगली कक्षा में प्रमोट करने, किराए पर रहने वाले विद्यार्थियों का किराया माफ करवाने की पहल करने, हॉस्टल की सुविधाएं सुनिश्चित करने, विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, तेजाजी महाराज, अमृता देवी, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाने आदि की मांग की। इसी तरह का एक प्रदर्शन एसएफआई की तरफ से भी किया गया। एसएफआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केंद्र कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और उच्च शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को स्थायी प्रमोट करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी विद्यार्थियों को पिछले कक्षा में आए अंकों से 10% अधिक अंक देने, नए स्तर की फीस माफ करने, किराए पर रहने वाले विद्यार्थियों का किराया माफ करने, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और सभी विद्यार्थियों का बीमा कराने की मांग की गई। इस दौरान एसएफआई के विश्वविद्यालय कमेटी के अध्यक्ष सीआर एम्पा, उपाध्यक्ष सूरज मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष अनुज परियार आदि उपस्थित थे। सबसे पहले जो विद्यार्थियों की काफी समय से परेशानी है, हेलो विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन देती है कि हम जो भी हमारे अभी जो वर्तमान में जिस क्लास में विद्यार्थी हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, पर हमारे जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम प्रमोट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आगे फ्यूचर में नुकसान होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जब काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तो सब ने जब प्रमोट किया है तो क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों की चिंता नहीं? यूजीसी ने वापस कल परसों वापस गाइडलाइन दी है कि आप फाइनल वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर सकते हो। साथ ही साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने भी ये गाइडलाइन दी है। तो जब सब तैयार बैठे हैं तो फिर आपको किस चीज़ की चिंता है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग जेएनयू के अंदर 80% स्टूडेंट बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ से नहीं है, वो दूर दराज से क्षेत्र से आते हैं। परिवहन व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से तैयार नहीं है, शुरू नहीं हो पाई है, तो वो यहाँ तक आएंगे कैसे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मीडिया मित्रों के माध्यम से पूछना चाहूँगा सरकार से कि जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, मुझे अभी कुछ दिन पहले करौली बांसवाड़ा के जो बच्चे हैं उनका फ़ोन आया था कि भाई साहब हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, वो तो दीवार का और किसी का सहारा लेते लेते यहाँ तक पहुँचते हैं। कौन उनका ब्लाइंडों का कौन वहाँ पे उनका राइटर बैठेगा? वहाँ तक जो स्टूडेंट यहाँ तक आएगा, बाई चांस किसी को भी एक भी अगर संक्रमित हुआ तो उसका जवाबदार कौन होगा? बाकी जो संक्रमित बच्चे होंगे उनका जवाबदार कौन होगा? आप जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है और साथ ही साथ आप एग्जाम करवाने की भी बात कर रहे हो। जब तक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के पास ना सिर्फ जोधपुर यूनिवर्सिटी बल्कि राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो एक बच्चे को सही से पानी भी पिला सके, इतनी भी व्यवस्था नहीं है। वो बातें करते हैं कि हम सैनिटाइज करवा देंगे, वो करवा देंगे, हवाई बातें मत करो, धरातल से जुड़ी हुई बात करो। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।